आज पहना था फाइनली, जो कि एक हद पर मैं बहुत ज्यादा बेकार लगा था। और तोर पर कति की स्मार्ट है ते हमला पता है भी। स्मार्ट तक हम नहीं है उनका। जय जोहर संगवारी हो, स्वागत है आप मन ला आप मन के अपन यूट्यूब के चैनल रीना देवांगन माता संगवारी हो। सबसे पहले मोर बड़े मन ला प्रणाम है और छोटे भाई भी नहीं मन ला बहुत सारा प्यार तो संगवारी हो। आज के जो ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ ओला सुबह से कर रहा हूँ, लगभग की 10 बजे है। अपन नहा धो के मस्त रेडी हो चुके हैं और मैं यहाँ कहीं जाने वाला हूँ, तो चलो फिर अपन हमारे ब्लॉग वीडियो में बने रहूँ। चलो देखते हैं कहाँ जावा तो चला, ठीक है। देखो हम जाए के लिए तैयार हो चुके हैं और मोर साथ में जा रहे हैं। मोर पति देखो कैसे बहुत ऐसे देखता जी, कुछ कुछ नहीं कहा। तो संगवारी हो फाइनली आज एक दूसरा टीका लगने वाला है जो बचेरी से है ना, कौन कौन सा महीना हम लगते तो नहीं पता, लेकिन एक महीने के बाद आवे करके बोली तो हम जावा था है ना। तो आज दूसरा टीकाकरण है रे, तो अभी हमारा जाए बार पड़ी और जाके देखते आज लगा थे कि नहीं लगा थे, वो कंफर्म पता नहीं है आज भी। तो आज जाए के बाद लग भी सकते हैं और नहीं भी लग सकते, बच भी सकते। ये हरे सब मोर कार्ड वगैरह जो महतारी लड़का स्वास्थ्य है पुस्तिका है ना, तो ये वाले कार्ड ले जाना जरूरी छे। ओकर साथ साथ और कुछ रिपोर्ट मन है मोर, और सब रिपोर्ट मन अभी पकड़ लेता हूँ, कबर की ये मन भी जरूरी है तो अलग कैरी बैग में डाले थे है ना, कार की कब कौन सा वाले रिजल्ट मतलब कि कौन सा वाले एलम मंग दी जो मन टेस्ट करान वो पता नहीं रहा है ना, तो ओकर कारण सब चीज़ ला पकड़ ले रहा था मैं यहाँ। देखो ये निकल गए लेके के लिए, अब गाड़ी के चाबी लग खुदे भुला गई है। देखो मैं है देखो अभी गाड़ी के चाबी ला हाँ तो नहीं कमे बॉटल ये दे बॉटल धरे तेरे कारण हरे नहीं तो अभी देखाते वहीं धर के ला हाँ चाबी ला चल मोटी करके बकायदा निकल गए हस। चाबी मेरी तो लेकबे का मले बता चल है। तो संगवारी हो आज देखो आज अपन नया चप्पल के शुरुआत कर रहा हूँ वो दिल ला हाँ आज पहना था फाइनली, ये देखो जो कि एक हद पर मैं बहुत ज्यादा बेकार लगा था। और तोर पर कति की स्मार्ट है ते हमला पता है भी। स्मार्ट तक हम नहीं है उनका। अच्छा अपन मतलब बहुत ही स्मार्ट से मस्त है, आप मतलब पता है संगवारी हो कौन ही स्मार्ट है तेला कैसे एक बार खेल थी ना हो जी। तो देखो गाड़ी निकाल रहे है और धूप एकदम ज्यादा है, लगभग अभी 10:30 हो चुके है, धूप बहुत ज्यादा है। चलो एला बंद कर दो काजी, एला बंद कर देते इसे करते फटाफट काम मतलब कैसे जी। चल तो संगवारी हो फाइनली हमारे स्वास्थ्य केंद्र पहुंच चुके हैं, वो वाले किरण हमारे घर के पास में है जो, पर वो बंद रही से आवाज में तानी दीदी भी नहीं है हमारे मन के साथ ना, काबल की वो चले गए वैष्णो देवी घूमे पर बाहर चले गए तो कर कारण वो भी नहीं आ पाई से। तो ये देखो आज भीड़ मन पता नहीं बहुत ज़्यादा, अभी हॉस्पिटल में इतना ज़्यादा भीड़ कापड़ चले थे पता नहीं चले थे। डिक्की से निकाल दो सामान वाला, तो ये डिक्की से सामान वाला भी निकाल ले। चलो फिर अब अंदर चलते हैं, कार की धूप अभी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई एकदम। तो ये देखो अंदर का नज़ारा, आज तो एकदम बहुत ज़्यादा भीड़ है, कहाँ पर इतने भीड़ है समझ नहीं आता, हमारे उनके लाइन तो बहुत पीछे में आई इससे लगा था देख के ही। तो हमारी फाइनली में डॉक्टर है यहाँ से आ गए, मतलब कि यहीं डॉक्टर ही शुरू हो पर ऊपर अंदर में वो काउंटर में चाय पट में जहाँ पे डॉक्टर थे गर्भवती महिला बन गई, तो फिर वहाँ से मैं यहाँ आ चुके हैं और कुछ रिपोर्ट देखे वो लिख के देखी बोला, अब बोला उगा मैं कहा था समझ में नहीं आया पढ़े के लिए, ये देखो और दूसरा चीज़ लगा कर लिखे वो नहीं तो थोड़ा बस और दवा लिखे कुछ आयरन वायरन की दवा जब देसी में लगता था सब लिखे हैं सभी वाले मतलब से पढ़ लेते और अगले दिन हमें डॉक्टर ने कहा मैडम से डांट भी पड़ी थी कवर की अभी तक आयरन की दवाई काट नहीं करे, वेटिंग कर रहे थे आई डॉक्टर फिर उसका बाद लगी सुई लगे के तो बहुत हरामी है एकदम करना दर्द थे और मैं उस में तो बहुत ही ज़्यादा दर्द थे एकदम, एक हाथ ना 3 दिन तक काम नहीं करे इस टाइप से दर्द रखे है ना। तो चलो भाई
एक बाद सुई लग जी होगा बाद फिर दवाई वाई ले बस जाबू अंदर में उसके पर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आ ना तो फिर थोड़ा से तो वेट करना बंद है ना हमार राज सही ना चल हमार राज नहीं चले है माँ चलते डॉक्टर मन के राज चल अभी गायब है वो देखो ये काउंटर में ना सब पब्लिक मन खड़े हैं और डॉक्टर मन मतलब जो दवाई देते वो गायब है ऐसे होते सरकारी पर क्या करो भाई पैसा देख दे तो फिर जल्दी काम होते पैसा नहीं देख तो लेट में काम होते सही बोले ठीक कमेंट में बताओ तो चलो फिर बाद में मिलूँ आपको सुई लगाई ना तेरा देखा ही कैसे रहते रिएक्शन तेरा तो संगवारी हो यहाँ पे लगते टीकाकरण लगते तो आज मोर प्रेगनेंसी के दूसरा टीकाकरण हरे तो ये स्वास्थ्य केंद्र हरे जहाँ पे मैं आऊँ अपन टीकाकरण के लिए तो फाइनली मोर नंबर आ चुके हैं तो ये डॉक्टर हरे जी हम मोर लगा ही सुई मोर प्रेगनेंसी के लिए तो वो अपन सुई पानी ना निकाला थी वे और मोला बहुत ही ज़्यादा डर लगते संगवारी हो सुई से सुई से कौन कौन बहुत ज़्यादा डर लगते ना पहला कमेंट करके बताओ तो मोर तो जी बहुत ही ज़्यादा घबराते और वो सुई से इतना ज़्यादा दर्द होते ना मैं बता नहीं सकूँ तो देख सकते हो अपन मोर रिएक्शन ला मैं कैसे कर रहा था सुई लगे के बाद ना बहुत ही ज़्यादा दर्द हो इस मोर बहुत ही ज़्यादा तो अपन तो समझते हो जो पहले से महतारी बन चुके हो माँ बन चुके हो इंजेक्शन से गुजर चुके हो अपन ना वो आप मतलब पता छो किस प्रकार से दर्द होती है वाली सुई मतलब हम तो बारी हो फाइनली मोला टीका लग चुके हैं टीका लगे के बाद ना हम पते देखा गए दवाई के लिए करके डॉक्टर बोले थे कि दवाई लेना जरूरी है करके तो कुछ कुछ जो दवाई लिखी है वो दवाई मतलब ये मेडिकल काउंटर है देखो दवाई वितरण केंद्र तो यहाँ से दवाई ली जाके और बहुत ही ज़्यादा भीड़ है ये देखो कितना सारा लाइन में लगे हुए हैं दवाई के लिए तो पता नहीं कितना समय मिली बहुत टाइम लग जी इसे लगा था दवाई लेते चले ये देखो तो फाइनली मैं पते दे के नंबर ऐसी इतना जन के भीड़ ख़त्म होने के बाद में उसका नंबर आई से तो फिर वो जाके मोर लिए दवाई ले थे कबर की मोला सुई लगे ही ना था मोला बहुत ज़्यादा दर्द दे मोर हाथ तो वो बोली से कि मैं ही जाके तो लिए दवाई लेके आ जाता हूँ करके भीड़ मार में जाबे तो और फालतू लगभग जी तो दर्द हो तुला करके वो जाके मोर लिए देखो दवाई ले थे मिल गई चल तो सोमवारी हो फाइनली हमारे डॉक्टर के काम वगैरह हो चुके हैं हमारे वो सुई भी लग गई और दवाई वाई जो लेना रही वो भी ले डले हैं और कुछ पूछना पाछना भी रही से वो भी पूछ पाछ डले हैं तो अभी हम जाबो घर और मेरे हाथ में इतना ज़्यादा दर्द है मैं बता नहीं सकता उठक भी नहीं है हाथ और सुई के कारण बेचारा मोर कारण यहाँ दुख दुख में आया पड़ते हैं मेहनत करे पड़ा सर जी इतना कड़ी धूप में अभी अब 2 बज चुके हैं तो सब तो गर्मी के दिन में 2 बजे में कितना ज़्यादा धूप होते हैं तो दवाई वगैरह कुछ हम लेने चले गए हैं और कुछ दवाई भी नहीं ले हैं जो यहाँ पे नहीं मिल पाई थे तो हमारा बाहर से भी लेबर पड़ी है ना तो अब चलो फिर घर चलते हैं बहुत टाइम हो गए हैं इला लगा फिर भूख मोला तो नहीं लगा थे लगा बोल नहीं लगा हमारे ऐसे नहीं ज़्यादा भूख नहीं लगी होगा तो कुछ पर्ची वगैरह जो पकड़े रहे हैं यहाँ पे पति दे गाड़ी पार्किंग करे रही से तो ये जगह रखी है पूरा यह सीट है तिप के हुई थी एकदम ददरी लग लगा पानी ला दे पानी ला और कपड़ा निकाल दे डिक्की के हाँ डाल दे पानी लो हाँ वही गीला कर दे कपड़ा लैसन में ये हो जाते सूख जो वहाँ देख तो कैसे भाप निकला थे तो सोमवारी हो अभी हमारे डॉक्टर यहाँ से उसके बाद आ चुके हैं मैंने गन्ना जी यही बोली से गन्ना जूस चल पीए पे करके स्वास्थ्य लिए सही रही करके तो की गर्मी बहुत ज़्यादा है और ठंडा पीना चाहिए कौन कौन मोरा से लेकर गन्ना जूस पर नमक डाल के पहले कमेंट करके बताऊँगा नहीं किए वो मुझे पसंद नहीं आया मसाला वाले का आनंद ठंडा बस नहीं पियो बोले तो हम यही ये बंद तो सोमवारी हो अभी हो चुके हैं शाम गुण के समय और मौसम है ना पूरा तरीका से बदल चुके हैं मतलब कि 4 बजे से ना बदल चुके हैं रिश्ते 4:30 बजे से पूरा एकदम आंधी तूफान हल्का हल्का बूंदा बांदी और कौन ककर ककर गाँव मन में ना बारिश वरिश तक है तो बोला कमेंट करके बताओ पर यहाँ तो बारिश बिल्कुल भी नहीं हुआ है बस आंधी तूफान बस बहुत ज़्यादा रिश एकदम ज़्यादा रिश आंधी तूफान
और सोमारी हो मैं तो घर ना दोपहर से ही आ गई हूँ, पर काहे जो वाला हाथ में मोर सुई लगी से ना उमा बहुत ही असहनीय मोर ये दर्द रही से, तो फिर ओकर कारण मैं है ना आराम कर ले रही हूँ सीधा। अभी मैं उठा तो सीधा शाम के ओकर बाद थोड़ा बहुत जो अपन घर के काम भी से उमा कर रही हूँ कार की मोला अब थोड़ा से सही लगा थे करके दर्द कम हो गया करके, पर उतना समय इतना ज़्यादा दर्द रही ना कि मैं इसे लगत रही से कि कब घर पहुँचो, इसे भी सही में अगर कुछ प्रॉब्लम रहती ना तो वैसे ही फील होते कि हम कब घर पहुँचा कब जाके घर में आराम करें ऐसे फील होते हैं ना। तो फिर जल्दी से घर पहुँचो कब बाद हम आगे की ब्लॉगिंग में नहीं कर पा रहे, पर सोचे ना मैं घर जाके ब्लॉग करूँ करके पर नहीं कर पा रही हूँ अपन मात्र दर्द के कारण। तो अभी मैं आ गया हूँ सो के उठ चुकी हूँ ना, तो फिर छत पर मैं आ गया हूँ टहले के लिए घर की मौसम आज ठंडा ठंडा हवा भी चला थी कोई आस पास नहीं बारिश हो पक्का ये तो पक्का अच्छे कन्फर्म है होगा खान बहुत ठंडी ठंडी मस्त हवा भी चला थी। तो मैं यहीं पर बैठ जाती हूँ और मोर संगवारी मन से भी एक और बात कर लेती हूँ करके यही प्या हूँ इस मौसम का देख के ऐसे लगा थी जिन्हें मनो भजिया पकौड़ा बनती तो फिर कितना अच्छा लगती है खाए इसी लगा थी। तो चले बाद में संगवारी हो और मतलब थोड़ा अभी कुछ काम है वे ठीक है ताकि बारिश वारिश हो ना तो पूरा बारिश नहीं हो धूल धूल मना है पूरा हवा वगैरह रहा है तब तो मैंने सब झाड़ू वाड़ू लगाना है मोला तो कर बात नहीं हूँ। तो सोमवारी हो अभी मैं बनाती हूँ खाना और खाना में आज बना हूँ दाल भात बनाया नहीं हो मतलब कि दाल भात मोर पक चुके हैं और सब्जी तो अभी नहीं बने हैं पर का बनाती हूँ का सब्जी बनाती हूँ उबला मतलब दिखाती हूँ। तो ये देखो ये हरे खट्टा भाजी जिला उबाल के मैं हम मस्त रख डले हूँ और इमें ही तीवरा दाल मतलब कि लाखड़ी दाल और प्याज जला उबाल डले हूँ। प्रतिदिन जो खट्टा भाजी खाते ना वो लोग प्याज वाले पसंद करते तो अगर काम प्याज वाले बनाते हूँ और पापा हम बिना प्याज वाले पसंद करते खट्टा भाजी ला तो पापा के लिए बिना प्याज वाले अलग से बनाते हूँ। तो ये देखो छोटे से कढ़ाई में पापा के लिए और वो वाले बड़े कढ़ाई में फिर हमारे मन के लिए कार की हमारा तीनों जन प्याज वाले पसंद है और पापा मसल पसंद नहीं है हमारे यहाँ। तो ये देखो लहसुन मतलब पूरा काट कुट के रख दे ताकि जल्दी से हो सके हमारे काम है करके हो खाना बनाए के बाद फिर मिलता हूँ। तो संगवारी हो आज के हमारा ब्लॉग वीडियो है बस अपने दूरी तक रही से तो आप मन दो मेरा वीडियो मोर वीडियो पसंद आ गया हुई तो वीडियो ला लाइक शेयर कमेंट और मोर चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दो। तो फिर से मिलो हमारे एक नया ब्लॉग के साथ माँ तब तक के लिए जय जोहार जय छत्तीसगढ़ शुभरात्रि गुड नाइट बाय बाय।